देखि माछ मार्केट सिल कला पौर संस्था गळीकंती रे बिक्री करबा को व्यवसायी को अनुमति फोन कले घरे पहुंचिबो सामग्री सेपटे 40 टंका छुइलाणी आळू दर कळा बाजारी नै बढुछि ग्राहकक असंतोष शहरवासी को नियम पालन करबा को जिलापाल अनुरोध। आजिठ सारा राज्य में 14 दिनिया लॉकडाउन यार प्रभाव पूरी जिले में मध्य देखा मिली। आज सका बड़शंख पर मार्केट में नहीं नथिबा भिड़ को देखी मार्केट को संपूर्ण बंद कर पौर संस्था व्यवसायी को गळीकंदी में बिक्री करने को निर्देश जारी होपटे कि दलाल लॉकडाउन रो फायदा उठाऊ चढ़ा दर में बिक्री होउछि आलु और प्याज गत कालीठू बजार में आलुर किलो प्रति दर 40 टंका रे पहुंची फल ग्राहकों असंतोष बढ़िवार लगी। प्रशासन तुरंत कलाबजारी ऊपर अंकुश लगाइबा को दाबी करछंती स्थानीय लोके रेड आई आकाश मा रेड आई आलु आई 40 प्याज 40 अदा 250 को 40 रसुण 250 को 45 एन जाया रेड आई कोन करिया प्याज आलु ऊपर बेसी माड़ा होची बहुत रेट राट बहुत बड़ा बड़ा भी बिकुचंती प्रशासन पदक्षेप ना कथा प्रशासन किसी पदक्षेप नौ ना सब सब्डिविजन चार्ज जने जने एडिशनल एसपी को दिया है रूरल पुरी रे निमापड़ा पिपली और सदर रे एसडीपीओ माने आईसी माने ताको सफिशिएंट फोर्स दिया है लॉकडाउन को इंश्योर और एनफोर्स करिवा पई मोर देन 20,000 लोक को मैं फाइन कर सारो और बहुत गुड़ा शॉप भी सील हो जाएगी बट हमारा ताको हरास कर उद्यम नहीं हमें चाहूँ कि सब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एनश्योर करेंगे जो मैंने डिफॉल्टर अच्छा ताको हमें पेनालाइज कर फ्यूचर में डिफॉल्टर रहिबे ना। लॉकडाउन समय शहरवासी को ऑनलाइन अत्यावश्यक सामग्री जोगाइबा 14 स्टोर को अनुमति मिली सामग्री संपर्क में फोन कर जनइले व्यवसायी घरे पहुंचाइबे बोली प्रशासन पक्ष सूचना सकाल 6 दिन 12 पर्यंत सर्वसाधारण को पनीपरिया और ग्रोसरी किणवा को अनुमति रही तेरे दिन 12 पर घर न बाहर निर्देशनामा जारी होपटे पुलिस पक्षर सहर को 10 जोन में भाग कर पाट्रोलिंग बिना कारण घर बाहर निजी दृढ़ कार्यानुष्ठान सहरवासी संपूर्ण सहयोग कर प्रशासन नियम को पालन करने को अनुरोध कर जिलापाल ग्रोसरी मैंने कनसेंट आमको देते जे आमर आम दबू होम डेलीवरी बोली से रिटेन कनसेंट दे फल से अर्डर कर 14 स्टोर से होम डेलीवरी देते ना आमर बेसिकली मार्केट स्टेबिलाइजेशन ही मुख्य जिनस लोक मैंने बेस बाहर को जब ना पाखापाखी जिनस मिल होम डेलीवरी आवश्यकता थी मिल जोटी ओनली एसेनसीयल सर्विसेज अलाउड अच्छी बाकी नन एसेनसीयल सर्विसेज अलाउड नहीं और एसेनसीयल जो आम मार्केट दुकान ये सब केवल मॉर्निंग 6 to 12 नून पर्यंत खुला रहो और सेटा को भी डिकंजेशन करने कई तो मुझे अनुरोध करने चाहूँगी लोक पूरा फुल स्पिरिट रे या को इम्प्लीमेंट करेंगे कौन सी जगह गैदरिंग बेसी होगा कथा जिले में दैनिक संक्रमण बढ़िवार लगी प्रशासन कटक सत्वे विभिन्न स्थान में नियम भांगुंट अमानिया पुलिस निजर कर्तव्य करुवा बेले लोके निजे सचेतन होवार समय आसी पुरी अक्षय मिश्रा रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना फेरंता कटक कड़ाकड़ी आंध्र तेलंगाना फेरंता क्वारेंटाइन बाध्यतामूलक उभय राज्य ओडिशा आसिले 14 दिनिया क्वारेंटाइन बाध्यतामूलक 48 घंटा भितर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट थे 7 दिन क्वारेंटाइन कटक कड़ाकड़ी 6 सीमावर्ती जिलापाल निर्देश पर तत्पर रायगढ़ जिला प्रशासन प्रशासन पक्ष जिलार राज्य राजपथ और जातीय राजपथर 13 स्थान को सिल करने सहित कड़ाकड़ी जांच आरंभ कर आज जिलापाल सरोज कुमार मिश्र सीमा सिल गुड़िकर स्थिति अनुधान कर आंध्र तेलंगाना यात्री रोक लगे भुवनेश्वर रेल स्टेशन रे कड़ाकड़ी होछे नियम समस्त बाट बंद रही बेले केवल एक नंबर प्लाटफर्म दे जीवा आसीबा करी परिबे यात्री समस्त गला बाट बंद करी नजर रखा जाए पुलिस और बीएमसी सहायतार आसुवा जात्री वैक्सीनेशन रिपोर्ट और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जांच हो रिपोर्ट नहीं ना ठिकना रजिस्ट्रेसन सह बाध्यतामूलक संगरोध पठा जा वर्तमान आंध्र तेलंगाना भाया हुई 20 टी ट्रेन चलाचल करुच्छा कोरोना संक्रमण को देखि 7 ट्रेन बातिल करा जाए किसी लोकल ट्रेन भी रही लोकल ट्रेन बातिल निश्चित संक्रमण कमाइबो बोली आशा करा जाउछे। रेलवे तरफ आम से पूरा स्ट्रिक्ट करी पूरा सब जगह जिते स्टेशन रो सब
जिते बाट अच्छे सब बंद कराई केवल गोटे एंट्री गोटे एक्जिट जोटा कि आम जो एंट्री पाखे ठिया है आरपटा एक्जिट से बटे सबू जात्री को नहीं आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बा दुई डोज वैक्सीन रिपोर्ट नथिले से मानको 14 दिन क्वारंटाइन बीएमसी तरफ एडवाइज करा आंध्र तेलंगाना जोटा बातिल आमको से अफेक्ट कर विशाखापटना सिकंदराबाद कैनसल होती आपर किसी ट्रेन जोड़ा कैनसल आमर से इफेक्ट हम दूरगुटा जोड़ा मेन कैनसल होता आम को बहुत साय कर लोकल ट्रेन कैनसल हो निश्चित भाव में संक्रमण कम लॉकडाउन टा बहुत साय कर तेणु समस्ते लॉकडाउन सहयोग करने को अनुरोध। सुवर्णपुर जिला बीरमहाराजपुर लॉकडाउन बंद रही है दुकान बजार अत्यावश्यक सामग्री और जरूरी कालीन सेवा को बाद दे संपूर्ण भाव लॉकडाउन रही खाँ खाँ लगुच चारिहाड़ गाड़ी धरी जो मैंने बिना काम आसुंच से ही अमालिया फाइन आदाय कर देखा मिली तेज यह लॉकडाउन को नहीं कौन कहते उपखंड पुलिस प्रशासन अधिकारी कोरोनार द्वितीय लहर चली राज्य सरकार पक्षर आज 14 दिनिया लॉकडाउन कर लॉकडाउन रे पूरा पूरी खाँ खाँ सहर दुकान बाजार संपूर्ण रूपे बंद रही अत्यावश्यक सामग्री को बाद देले जरूरी कालीन सेवा को बाद देले पूरा पूरी पालन करुछन्ते लोके आमे अछु सुवर्णपुर जिला बीरमहाराजपुर मुख्य छकरे जहाँ कि पुलिस पक्षर पूरा सजाग कड़ा प्रहरा दिया जाउछि जो माने कां भा मानु नाहंती तांकठु फाइन आदाय करा तबे मोटामोटी भावे देखा गले संपूर्ण बीरमहाराजपुर बंद रही तबे आम सहित बीर उपखंड पुलिस अधिकारी अच्छा प्रतिक्रिया नवा से कौन कहते लॉकडाउन को नहीं देखो एबे जो 5 तारिख रु 19 तारिख पर्यंत आमर जो सटडाउन आ लॉकडाउन रहिबो माने सटडाउन परिप्रेक्षी रे आमे व्यापक पुलिस बंदोबस्त करिछु और वीर महाराजपुर अंचल रे आमे तीनटी जगार इम्पोर्टेंट जो पॉइंट अच्छी गोटे हूँ हिकुड़ी गोटे मुरसुंडी आमर प्रॉपर वीर महाराजपुर जो मेन छक अच्छी ये जगार आमे पुलिस व्यवस्था करिछु लोकंकु सजाग करुछु जो माने अमानिया होचंती तांकु आमे फाइन करुछु और लोकंकु वार्ता दोछु जे समस्ते प्रशासन को सहयोग करंतु आउ यही जो कोरोना महामारी वर्तमान प्रकोप चली समस्ते सचेतन हवा आउ सब प्रकार कोविड कटकणा को मानिक चलिबा ताले एक प्रतिहत करा जाय परिबो तो पुलिस प्रशासन तरफ रु सब प्रकार व्यवस्था करा जाय छी जेमति कि लोक कोविड कटकणा को नियम को मानिक चलिबे एवं प्रशासन को सहयोग करिबे आज्ञा किछि लोक अमानिया होजंती तबे पुलिस पक्षरु किभली भाबरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय निश्चित भाव में लोक मान सचेतन करने आम वर्तमान जो सरकार नियम अनुसार जो लॉकडाउन सिस्टम आज आरंभ हो 19 तारीख पर्यंत से आम कड़ाकड़ी करने जो मैंने अमानिया होती निश्चित अर्थदंड दंडित करा जो मैंने मानु ना थाना को डिटेन करवर्ती नेक्स्ट कौन कर चिंता करे लॉकडाउन समस्त नियम मानवा एवं कोरोना को प्रतिहत करवा यह पुलिस प्रशासन बार्ता लोक मानू रही सुवर्णपुर जिला बीरमहाराजपुर मुख्य छकु सत्यवान पुरोहित न्यूज 18 ओडिया। मिलला नाही महाप्रयाण गाड़ी ट्रली रे बुहा हेला सब ट्रली रे पुतुरा झियारी एवं पुओ भोइले मृतदेह एभले अभावनीय घटना घटी गंजाम जिला पात्रपुर गाँव में पात्रपुर गाँव सागर ब्राह्मण साईर चंद्रशेखर महांती गत किछि दिन हेबो असुस्थ थिले गुरुतर अवस्था रे तांको पात्रपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा जायतिला ऑक्सीजन कमी जिबारु तांकर चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर मृत्यु घटेतिला दीर्घ समय धरी डाक्तरखाना बेड रे पड़ी रहितिला सब एपरिकी कर्मचारी माने मध्य सब को तळु कोल्हाई नथिले घर को मृतदेह नेबा पई कोनसे आंबुलांस किंबा महाप्रयाण गाड़ी मिली नथिला परिवार लोके बाध्य होई ट्रली टिए जोगाड़ करी चंद्रशेखर को मृतदेह को श्मशान को नेथिले पुतुरा रिक्सा चलाउथिबा परे पुओ एवं झियारी रिक्सा को ठेलुथिबा देखा जायछे रास्ता सारा लोके केवल देखणाहारी साजिथिले परे किछे स्वेच्छासेवी श्मशान रे पहुंची सब सत्कार करिछन्ते
केन्द्रापड़ा रे कड़ाकड़ी भावे पालन करा जाउछे लॉकडाउन। केवल अत्यावश्यक सामग्री दुकान और सेवा को छाड़ी आउ सबु दुकान बंद रहिछे। केन्द्रापड़ा सहर और जिलार विभिन्न स्थान में कटकणा को कड़ाकड़ी करा जाइछे। चेकिंग करा जिबा सहित स्थाने स्थाने पुलिस फोर्स मुतयन होइछे। केवल अत्यावश्यक सामग्री दुकान खोला रहिछे। सहर भितर को बाइक रे प्रवेश उपरे कटकणा लगा जाइछे। पुलिस और एनफोर्समेंट टीम गहली होउथिबा अंचल रे कड़ाकड़ी जांच करूछन्ते। लॉकडाउन समय रे अजथा भिड़ न करिबा पई प्रशासन अनुरोध करिछे। कोरोना द्वितीय संक्रमण भयंकर रूप ने बेले राज्य सरकार एथने पुणि थे लॉकडाउन घोषणा कर आज 19 तारीख पर्यंत लॉकडाउन घोषणा कर केन्द्रापड़ा लॉकडाउन अटकणा जारी कर जिला प्रशासन कतर पुलिस प्रशासन पक्षर व्यापक भाव प्रस्तुत कर विभिन्न स्थान चेकिंग करवा सहित बकिंग जो रही दुकान बजार गुड़िक रही सेगुड़िक संपूर्ण भाव में बंद रही है। जो रही अत्यावश्यक सामग्री गुड़िक रही जो जरूरीकालीन सेवा रही से हीगुड़िक छाड़ी अन्य सब दुकान बजार बंद रही जो रही पुलिस पक्षर व्यापक भाव में चेकिंग ब्लॉकिंग जो मैंने आरोध में कार्यानुष्ठान नि विभिन्न जो छक मानक रही विभिन्न एंट्री पॉइंट गुड़िक पुलिस पक्ष चेकिंग तेज आम सहित किसी स्थानीय लोक अच्छा सहित आलोचना करा कह कि आज लॉकडाउन आरंभ होती देखुं निश्चिंत भाव ये सरकार एक स्वागत योग्य पदक्षेप ये बहु पूर्व करार मत लगुच डेरी किंतु जहाँ भी हो लॉकडाउन टे कड़ाकड़ी भाव गत थर जमी पालन पुलिस प्रशासन करूला एथर कहीं कम लगुच कारण लोक मैंने आम सका देखु जातायात करुँच लोक मैंने विभिन्न आड़ देखे अमानिया मैंने जातायात करे कठोर पुलिस प्रशासन हेल्ले भल हाँ कहे सर आज कि भाव लॉकडाउन पालन करवस्था कर मुताबक जमी नर्माल हवा कथा लकडाउन टाइम से ठीक से ठीक ठाक चलती आबू बर्तमान पिसफुल चलती आमर जो ये भी जो मैंने न मानिकी आसने चेकिंग कर फाइन कटा देखा बहुत लोग मेडिकल जावा मेडिकल कम अच्छा जो बेसी अटक फाइन कटाऊक चेकिंग कराला बुझी सारापर जे जो मान किसी ना फाइन कटा जो मान जो लीगल जिन से छड़ा जो दुकान गुड़िक बजार गुड़िक खोला रही सेगुड़िक जो भाव भिड़ न हुए से प्रशासन पौर प्रशासन और जिला प्रशासन एनफोर्समेंट टीम गठन कर विभिन्न दुकान गुड़िक चढ़ऊ कर जो गुड़िकर भिड़ अच्छी लोक मैंने निम मानना सामाजिक दूरता रक्षा करना से विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कर सहित लोकों कतुरू फाइन संग्रह कर केन्द्रापड़ा केन्दुझर आज 14 दिनिया लॉकडाउन। जिलार सहरांचल केन्दुझर गड़ म्युनिसिपालिटी बड़पिल और जोड़ा पौरांचल और किसी ग्रामांचल संक्रमित कमिपा दिगरे सहायक हो पार्व लॉकडाउन। लॉकडाउन रे तेजराती पनीपरिया फल माछ मांस आदि दुकान सकाल 6 दिन 12 जाए खोला रही अन्य अत्यावश्यक सेवा खोला रही जिलापाल सूचना देते कम नोक घर न बाहर को प्रशासन तरफ अनुरोध कर कोरोना संक्रमण को ब्रेक लगवाप आज सारा राज्य आरंभ हो 14 दिनिया लॉकडाउन। केन्दुझर जिला परिप्रेक्षी में केन्दुझर जिलार सहरांचल जपरिक केन्दुझर म्युनिसिपालिटी बड़बिल म्युनिसिपालिटी जोड़ा पौरांचल एवं किसी ग्रामांचल यह संक्रमण अधिक बढ़िवार लगी जहाँ कोई लॉकडाउन रोकवे सहायक हो पार एने आलोचना करवा सर जो लॉकडाउन आरंभ है कौन भावुंत के सहायक हम संक्रमण रोकया दिगरे ना ये जो सरकार जो पदक्षेप नहीं डेरी हेल्ला चलो आगे आगे नहीं भल ही था जहाँ ये जो केन्दुझर जिले में आम कोविड नेक्स्ट जो होता कम थी कि एथर केन्दुझर टी अधिक केन्दुझर टाउन जोड़ा म्युनिसिपालिटी अधिक बड़बिल अधिक संक्रमित होती आउ बर्तमान पंडापड़ा फंडापड़ा भी आम जहाँ शुणु घर घर का ज्वर होती आउ बर्तमान आम सरकार रिक्वेस्ट कर पदक्षेप नहीं उत्तम पदक्षेप नहीं सरकार लोक मैंने मानतु आउ ये जो अमानिया मानक गाड़ी सीज करूँ आउ ये जो लुहापथर माइन्स चलती ये लुहापथर मिनिमम 15 बंद रही है जो बाहर गाड़ी आस हेल्पर ड्राइवर आसपर संक्रमण के अनुसार बेसी जोर बढ़ुँच जनसाधारण अमूल्य संपद मानव से मानव जीवन रक्षा करने सरकार ये लुहापथर जो पर होता 15
बंद कले बहुत उत्तम पदक्षेप हाँ पनीपरिया दुकान माख मांस दुकान दुकान ये दुकान छटा बारटा खोला रोक लोक मैंने शांति श्रृंखला आसिक नहीं जिनस खाली खाली मान जी मसल फसल किए आने यहाँ जो सरकार जो पदक्षेप नहीं भल पदक्षेप नहीं सर मुख्यतः तो जो अमानिया मैंने भिड़ कर ब्रेक लगे लोक मैंने खालीटारे बाहर बुलूं भिड़ जमाऊँ ब्रेक लगे लॉकडाउन बोली कहु कौन कह तो ये पुलिस प्रशासन भारी सजग रहा दरकार जो मान किसी कम नहीं बाहर को आसान कटा फाइन करा कथा एवं मानने बड़ पनीसमेंट एवार्ड करा दरकार जहाँ नक ये लॉकडाउन रो मूल्य भी किसी रही जीवन थी जीविका हम बर्तमान आप देखते एक कोरोना महामारी बेस जीवन बहुत निरीह जीवन चली जाऊँगी जहाँ पर मानने सबुदिन बेसहार हो जाए तेणु सरकार जो पदक्षेप निहाती जरूरी किंतु आप देखु आज जदि लॉकडाउन सफल होती दुकान बजार बंद अच्छी तथापि किसी लोक एवं भी गाड़ी में सरकार नियम नवा सत्वे गाड़ी में चलपचल करा बंद हवा दरकार तेणु पुलिस से दिगरे प्रशासन से दिगरे जत्नवान है लॉकडाउनटा सफल हम लॉकडाउन को सफल करने पुलिस एवं प्रशासन जत्नवान हवा सहित लोक मैंने लॉकडाउन रो नीति नियम मानवा जरूरी एक प्रेस स्वागत कमिश्नरेट पुलिस हाथ में कुख्यात कटुरी गैंग कटुरी गैंग छह लुटेरा गिरफ्त करी कमिश्नरेट पुलिस से 200 ग्राम सुना 6 केजी 200 ग्राम रूपा गहना जबत हो पुलिस कमिश्नर कहते एक गैंग सदस्य मैंने 4 मास भुवनेश्वर विभिन्न स्थान में कटुरी से हाणी लोक लुटुते एक गैंग राजधानी आतंक खेल भुवनेश्वर पुलिस स्पेशल स्क्वाड खंडगिरी और शहीद नगर थाना मिलित उद्यम गैंग रण भेटरन अपराधी गणेश मूर्ति शंकर दास जगा सुशांत गुरु और सुधाम नायक गिरफ्त करिवारे भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस सफल होती गैंग को धरी भुवनेश्वर पुलिस 19 सुना चेन जार आनुमानिक ओजन 200 ग्राम हम 6.2 6.2 केजी रूपा लंका 13,600 टंका एवं अपराध में व्यवहृत होता गोटे पल्सर गाड़ी और पंडा आक्टिवा गाड़ी को जबत करे ये अपराध में साधारण व्यवहार करटुरी और भूजाली को मैं जबत कर गैंग द्वेत नगरी 25 केस्रे संश्लिष्ट अच्छा गिरफ्तारी निश्चित भाव में स्ट्रीट क्राइम को कमेबारे गोटे बड़ सफलता कहले अत्युक्ति हम नहीं आमर ये जो उद्यम अब्याहत रही आमर प्रचेषा रही स्ट्रीट क्राइम को केमी द्वैत नगरी रास्ता घाटे कमे पार क्राइमब्रांच एसटीएफ कब्जा में चोरा बंधुक माफिया गैंग नाइट कर्फ्यू बेले दुई बंधुक व्यापारी गिरफ्त होती 5 बंधुक जबत हो गतल नाइट कर्फ्यू डील होता आई समय क्राइमब्रांच एसटीएफ हाथ में धरा पड़े बेपारी बिहार मुंगेर आसुला बंधुक बालेश्वर दे भद्रक होता डिल नाइट कर्फ्यू में डिल बेले माड़ बसला क्राइमब्रांच रो एसटीएफ एवं आपण को सामना रे जो बंधुक आप देखुंट पांचटी बंधुक को जबत करी क्राइमब्रांच रो एसटीएफ एवं ये बंधुक विशेषकर बिहार रो मुंगेर आसुला एवं दुई जन बाफिया को गिरफ्त करी क्राइमब्रांच एसटीएफ विशेषकर एमाने दीर्घ दिन धरी बंधुक व्यापार करुथिले एवं जो व्यक्ति जनक किंवा जो माफिया जनक बिहार मुंगेर गिरफ्त होई रवींद्र प्रसाद से दीर्घ दिन धरी ओडिशा को बंधुक चोरा चलाण करुथला परवर्ती मुहूर्त जिते खबर पाई क्राइमब्रांच एसटीएफ शेषे ए बंधुक को गत काली जिते भद्रक अंचल नाइट कर्फ्यू समय रे डील होता से समय रे माड़ी बसी क्राइमब्रांच एसटीएफ एवं पांचटी दामी बंधुक जबत करने सहित 10 अधिक गुड़ी को पुलिस किंवा एसटीएफ जबत कर आपण जानिथिबे गत मासरे अर्थात एप्रिल 7 तारीख रे 8 बंधुक ता सहित किछि व्यापारी को मध्य गिरफ्त करथिला एसटीएफ विशेष करि माने दीर्घ दिन धरी राज्य रे
ବନ୍ଧୁକ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରନ୍ତି। ମୁଙ୍ଗେରରୁ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ଏ ଖବର ପାଇଥିଲା ଯେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛପି ବସିଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏବଂ ଗତକାଲି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଲ୍ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 5ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ 2 ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ। ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିଲା ପରେ ଉଭୟଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ସେମାନେ କେବେଠାରୁ ଏଭଳି ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କରିଥିଲେ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲତାଡ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରବ ପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁଡ଼ିକ ସହ ଦୀପକ ସାମଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁଣି ବଙ୍ଗରେ ମମତା ରାଜ, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖର। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଭିତରେ ରାଜଭବନ ଟାଉନ ହଲ୍ରେ ହୋଇଛି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ମମତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶପଥ ନେବେ। ତେବେ ଟିଏମ୍ସି ରାଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତି ପୁଣି ଥରେ ଆସନ ଦଖଲ କରିଛି। 213 ଆସନ ଜିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ଟିଏମ୍ସି। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চরণ করিব। নির্বাচন পরে পশ্চিমবঙ্গে হেউথিবা রাজনৈতিক হিংসাকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করিছেন্তে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শপথ গ্রহণ উৎসব পরে রাজ্যের হিংসা সমাপ্ত করিবাকু মমতাঙ্কু পরোক্ষরে পরামর্শ দেইছেন্তে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। ସେ ପ୍ରଥମେ ମମତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ରୋକିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ, ଲୋକଙ୍କୁ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ମମତା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସା ରୋକିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀ କେବେ ହିଂସାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। मेरा हमला किसी पर नहीं है, मेरी एक विनती है, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, रेट्रीब्यूटिव वायलेंस को परमिट नहीं कर सकते, आगजनी को बढ़ावा नहीं दे सकते, औरतों के साथ बलात्कार को परमिट नहीं कर सकते, बच्चों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या प्रमोट करते हैं इसको? এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আমি নবান্ন গিয়ে এই কাজটা ফার্স্ট এক্ষুনি করতে চাই। দুই হচ্ছে যে আমি সবাইকে সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার, যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়, আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে, যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়, আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি। এপটে মমতা সেপটে জেপি নড্ডা পশ্চিমবঙ্গ নাগরিকঙ্ক সুরক্ষা পাই আজ শপথ নেইছেন্তে বিজেপি রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জেপি নড্ডা। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ହେଉଛି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଆଜି ସେ କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ସେ ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। हमें ये शपथ भी दी
इस तरीके से करते हुए सारे देश को ये बताना है कि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है वो मुझे तो निश्चित रूप से जो तस्वीरें मैंने विभाजन के समय देखी थी वह तस्वीरें ताजा होती हुई दिख रही है। और यहां पर जिनको रक्षा करनी चाहिए थी वही इस हिंसा के तांडव के जिम्मेवार लोग, और ऐसे लोग शपथ ले, प्रजातंत्र में सबको शपथ लेने का अधिकार है, लेकिन ऐसे समय में हम भी शपथ लेते हैं कि राजनीतिक हिंसा। नेटवर्क 18 यहाँ सुनिश्चित करने को चाहे जे प्रत्येक भारतीय को कोविड टीका मिलू। टीकाकरण संपर्क में सचेतनता सृष्टि पाई नेटवर्क 18 और फेडराल बैंक प्रयास संजीवनी ए सटअप लाइफ को समर्थन करंतु। स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपोलो 24x7।